टू डी मोशन ऑफ मोशन इन ए प्लेन, है ना। तो अभी तक हमारी मोशन कौन सी थी? स्ट्रेट लाइन थी, है ना। स्ट्रेट लाइन मोशन हमने क्या क्या पढ़ा? बी इज यू प्लस ए टी, एस इज यू टी प्लस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इज यू स्क्वायर प्लस टू एस, ठीक है। टू डी मोशन क्या होती है पता है? टू डी मोशन में क्या होता है देखो, अगर कोई स्ट्रेट लाइन में चल रहा है वन डी मोशन में, ठीक है, तो क्या होता है? जहां पे पार्टिकल जा रहा है उसको मैं एज्यूम कर रहा हूं एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अगर मुझे इसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करना है, इसकी पार्टिकल की पोजीशन को डिस्क्राइब करना है कि पार्टिकल कहां पे है, तो मेरा काम सिर्फ एक कोऑर्डिनेट से चल जाएगा, किससे? एक्स, क्योंकि जहां पे पार्टिकल जा रहा है मैंने वहां पे क्या ले लिया? एक्स एक्सिस, क्लियर। अब सोचो कोई बंदा एक सर्कल में घूम रहा है ऐसे, है ना, और मैं आपसे पूछूं कि इसकी लोकेशन बताओ क्या है, तो क्या आपका एक एक्सिस से काम चलेगा? नहीं चलेगा, समझे। तो यहां पे आपको कितनी जरूरत पड़ेगी बताओ? आपको दो एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। कैसे? ऐसे समझिए आप कि अगर कोई ऐसे घूम रहा है सर्कल पे ऐसा, ना उसका क्या होगा बताओ? एक्स बी एक्स और वाई दोनों चीज होंगे, अगर ये पार्टिकल यहां पे तो इसके दोनों कोऑर्डिनेट बताने पड़ेंगे, कौन कौन से? एक्स एंड वाई। यहां पे तो मैं इसका एक्स और वाई बता दूं, तो अगर मैं एक्स और वाई बता दूंगा तो मुझे इसकी लोकेशन पता चल जाएगी ना कहां पे पार्टिकल है, क्लियर। तो भाई जहां पे आपको दो एक्सिस की जरूरत पड़ती है इसको डिसाइड करने के लिए, अरे लोकेशन को या पोजिशन को, उसको क्या बोलते हैं? तो जितनी बार कार्ड मोशन होती ना ऐसे से चलने वाली सर्कल पे या नहीं चल रहा, उनको आप सिर्फ एक कोऑर्डिनेट के टर्म में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आपको दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। मुड़ेगा देखो, वो स्ट्रेट जा रहा है, अगर स्ट्रेट जा रहा है तो आपका काम सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट से हो जाएगा। क्या करना है आपको बताओ? जहां पता आप ऊपर रहे ना, आपको वहां पर क्या बना देना है? एक्स एक्सिस बना देंगे। क्या वो एक्स एक्सिस से हटेगा? कभी नहीं हटेगा। तो आपका काम किससे हो जाएगा? सिर्फ एक कोऑर्डिनेट से हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसे घूम घूम के चल रहा है तो आपको क्या चाहिए? उसका एक्स भी चाहिए और वाई भी चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? टू डी मोशन। तो आप सोचा टू डी मोशन क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे? इन टू डी मोशन वी नीड टू एक्सेस टू एग्जैक्टली लोकेट पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या देंगे आप? सर्कुलर मोशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ टू डी मोशन और कर्व्ड मोशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ टू डी मोशन और प्रोजेक्टाइल। फुटबॉल को किक मार दो ना, फुटबॉल ऐसा हवा में उड़ता हुआ जा रहा है, ऐसे करता है तो वो भी क्या होता है? वहां भी आपको एक्स सही होता है और वाई। तो लिखिए मोशन ऑफ पार्टिकल मूविंग ऑन ए कर्व्ड पाथ, मोशन ऑफ पार्टिकल मूविंग ऑन ए कर्व्ड पाथ इन ए प्लेन। प्लेन मतलब कोई ग्राउंड, है ना, प्लेन। क्या लिखा आपने? मोशन ऑफ इन ए प्लेन कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ टू एक्सेस Help of two axes, ठीक है। एक ही स्टेटमेंट दिया मैंने आपको, ठीक है। अब सोचो कोई बर्ड उड़ रही है हवा में या कोई काइट चल रही है तो क्या होगा? नहीं तो मुझे क्या, मैं एक्स वाई एक्सिस को लोकेट कर दूंगा? बताओ, मान लो कोई इस पे चल रहा है, इस रूम में कोई वॉक कर रहा है, तो मैं वहां पर उड़ दूंगा कहां पर? कॉर्नर पे। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई अपार्टमेंट घूम रहा हूं, उसकी लोकेशन को पता करूंगा। अभी बताओ कोई यहां से बंदर या कोई फ्लाई रूम में उड़ रही है ऐसे इधर उधर ज़िगज़ैग ऊपर नीचे, तो उसकी लोकेशन क्या चाहिए आपको? यू ऑल्सो नीड हाइट भी लगेगा, तो आपको एक एक्सिस की और जरूरत पड़ेगी, जेड एक्सिस, जो क्या बताएगा कि उसकी हाइट क्या है। उसको क्या बोलेंगे? थ्री डी मोशन। फिर अगला स्टेटमेंट लिखे
मोशन ऑफ पार्टिकल मूविंग इन स्पेस ब्रैकेट में लिखो गया समझे, मोशन ऑफ फ्लाई बाय एरोप्लेन requires three axes. To explain its motion. Clear? आपको मुझसे पूछता भाई टूडी मोशन क्या होती है, तो मैं बोलूंगा कि अगर मुझे एक्स और वाई दोनों की नीड पड़ेगी तो दैट विल बी टूडी मोशन. और थ्री डी क्या होती है, अगर मुझे एक्स वाई जेड तीनों की जरूरत पड़ेगी तो दैट विल बी 3D motion. 3D motion मतलब जहां पे हाइट गेन हो रही है. और 1D में क्या होता है, सिर्फ एक एक्सिस से काम चलता है. ठीक है, इन शॉर्ट इन टू डी मोशन टू एक्सिस आर रिक्वायर्ड टू एग्जैक्टली लोकेट पोजिशन ऑफ पार्टिकल. एंड इन 3D मोशन थ्री एक्सिस आर रिक्वायर्ड. क्लियर है सबको? 1D तो आप समझ गए ना, 1D का मतलब हो गया क्या, स्ट्रेट लाइन. 2D मतलब ग्राउंड पे कोई चल रहा है, 2D मोशन. और 3D क्या हो गया, कोई हवा में उड़ रहा है, फ्लाई है, काइट है, बी एरोप्लेन है, ये सब क्या है, सिंपल ऑफ 3D मोशन. ठीक है, तो अब आते हैं लोग 2D मोशन में और देखते हैं कि यहां पे सबसे पहले थ्री इक्वेशंस ऑफ डायनेमिक्स. वाई होता है तो क्या होता है, वो होता है यू वाई प्लस ए वाई.
क्या लिख दिया भाई, जो कुछ भी x कॉम्पोनेंट में हो रहा है उसमें सिर्फ x की वैल्यू लाएंगे सारी, और जो y उसमें सारी की सारी y की वैल्यू लाएंगे। एक वेक्टर तो यहां पर सबसे बड़ा बड़ा होगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपकी प्रभाव खड़ा होगा, आपके लिए नहीं प्रभाव। चलो थोड़ा सा नहीं क्वेश्चन है ना, कम से कम मैं आएगा कुछ निकालते हैं सोच, ठीक है। बाकी सबको आइडिया है कि हमारे पास देखो जब कुछ चीज के एक्स और वाई के बीच में चल रही होती है तो उसमें एक एक्स कॉम्पोनेंट होता है और एक वाई कॉम्पोनेंट होता है ना। शायद प्रभाव आइडिया हो गया एक्स कॉम्पोनेंट वाई कॉम्पोनेंट का। चलो अगला पॉइंट ये है, x में अगर मुझे कोई वेलोसिटी निकालनी है, अब जिन बच्चों ने वेक्टर्स पढ़ा होगा सुने और आप लोग भी समझने की कोशिश करें कितना आ रहा है कि जब भी कोई पार्टी कहीं चल रहा होगा तो उसमें जब भी आप x कंपोनेंट में कुछ भी निकालोगे तो उसमें कौन सी इक्वेशन लगेगी, सिर्फ x की इक्वेशन लगेगी, और जब y में कुछ निकालोगे सिर्फ y की इक्वेशन लगेगी। ध्यान रखना है आपको मिक्सअप नहीं करना है, ठीक है। तो अगर मैं सेकेंड इक्वेशन लिखूं तो क्या होगा, तो x की अलग चलेगी और y अलग चलेगी। देखिए अब जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा सब क्या बात कर रहे हैं, अलग चलेगी अलग चलेगी है ना, शायद आपको धीरे धीरे बताने लगेगी। और y में क्या होगा इसका समझा रहे क्या, x इज u v का साथ है, इस पर सब कुछ x का है, वेलोसिटी भी x की एक्सेलरेशन भी x का, यहां पे सब कुछ y का रहेगा, वेलोसिटी भी वाई और एक्सेलरेशन भी वाई का, सेम केस में होगा थर्ड में भी होगा, ठीक है। तो अगर आप थर्ड इक्वेशन लगाएंगे एक्स इक्वेशन वाली अलग से मिलेगी टू एक्स है ना, और हमारी वाई की इक्वेशन अलग से मिलेगी, ठीक है। दोनों इक्वेशन हमारी अलग अलग सब्जी रहेंगे, अभी कुटी में बहुत सारी बातें हैं है ना, और आपके एग्जाम्स आ रहे हैं पास में, उस दिन में आपको पेपर देना है तो मैं थोड़ा खुदा पॉइंट बात करता हूँ जो स्कूल में आने वाला है, अभी डायरेक्टली लिख दिया कुछ पॉइंट मैं स्किप कर रहा हूँ है ना, बताऊंगा आपको बाद में काफी चीजें इसके तो लिखे बोले टाइम जल्दी क्या है इनके एग्जाम मिला क्यों नहीं मिल रहा है, पहले तो पहले से क्वेश्चन बनता है ना, बिल्कुल तैयारी करा देते हैं, डेरिवेशन पक्का आने वाली है, कटेगा 3-4 मार्क्स आपके यहाँ स्कूल में पक्का मिलने वाली है, ठीक है। देखो टाइम क्वेश्चन क्या होगी, फुटबॉल क्रिकेट बॉल बेसबॉल ये सब किसके एग्जाम टाइम क्वेश्चन है ना, तो टाइम में क्या होता है अगर आप किसी बॉडी को देखो ये पेन है मैंने इसको ऊपर फेंक दिया वेलोसिटी ऊपर दे दी तो क्या होगा, ये ऊपर जाके फिर नीचे आने का, नीचे वेलोसिटी दे दी तो नीचे आने का, कैसे ये उधर जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे रख के ऐसे वेलोसिटी दे दूं तो क्या होगा, ये हवा में उठा हुआ ऐसे ऐसे गिरेगा, मोशन कैसे थर्ड मोशन क्या होता है 2D, और ये हवा में उड़ता हुआ ऐसे जा रहा है ना, इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा एक्स एक्सिस और क्योंकि तो हवा में बीच में चल रहा है, उसमें दो दो कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, सोचो कि यहां पे मैंने फुटबॉल को रखा है ना, और फुटबॉल को मैंने यहां पे पा दिया है, और ये फुटबॉल हवा में उड़ता वैसे जा रहा है फाइनली जाके यहां पे ऐसे करते हैं एयर वेयर नहीं मार रहा है, ठीक है। ये जो तो फुटबॉल की मोशन होती है इसको क्या बोलते हैं बुलेट टाइप मोशन, ठीक है। सीधी सी बात की है फुटबॉल की मोशन है वो क्या है, वो है बुलेट टाइप, ठीक है। अब टेक्निकली अगर पूछा जाए बुलेट टाइप क्या होता है टेक्निकल वे में, मैं तो आपको बता दें फुटबॉल की मोशन क्या बुलेट टाइप, कोई आपसे पूछता है कि बुलेट टाइप क्या होता है तो आपका क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि अगर मैं किसी पार्टनर को ना ऊपर नीचे ना वेलोसिटी देकर के कहां दे दूं
साइड में ब्लॉक्स दे दूं तो वो कर्व पाथ में चलता है, उसी को क्या बोलते हैं? क्लिक है। फिर ग्रेविटी कहां लगती है? नीचे। तो अगर मैं किसी को नीचे फेंकता हूं या किसी को ऊपर फेंकता हूं तो कहां चलेगा वो? इसके नीचे। थोड़ा एंगल दे दो, उल्टा हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? क्लिक है। मैं वेन पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड या थ्रोन, प्रोजेक्टेड और थ्रोन, मेकिंग सम एंगल विद द वर्टिकल, मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन एंड इट मूव्स, एंड इट मूव्स ऑन अ पैराबोलिक पाथ, इट मूव्स ऑन अ पैराबोलिक पाथ। पैराबोला के बारे में तो शायद पढ़ा हुआ सबको आइडिया होगा, वो ऐसा बाउल टाइप का बनता है, दैट इज कॉल्ड पैराबोला। ठीक है, ये इसका टेक्निकल मीनिंग हो गया कि अगर मैंने किसी को ऐसे फेंका, समझ गया ना, वर्टिकल से कैसे ऐसे फेंको, ऐसे स्पेन को फेंको तो कैसे चलेगा, घूमता हुआ चलेगा, है ना, ऊपर फेंकेंगे तो घूमता हुआ चलेगा। ये सब क्या है? ये सब प्रोजेक्ट आएगा। पालन से करना नीरज चोपड़ा वो भी क्या है? प्रोजेक्ट आएगा। आजकल क्वेश्चन भी चल रहा है कि आप कराऊंगे मैं सिर्फ हाल ही स्पीड निकालूंगी, सिर्फ हाल ही स्पीड की 87.5 निकाल रहा हूँ, पता है 45 का नहीं पड़ा, फिर भी आपको समझने की कोशिश करना, थोड़ा बहुत आइडिया वो है। जो कुछ आगे थोड़े जा रहा हूं, ये वेलोसिटी यू से फेंकते हैं, ठीक है, और ग्रेविटी का लेवल कौन बहुत छोटी डेरिवेशन है पक्का एक थ्री आपको, ठीक है, डेरिवेशन और एक वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग मोशन में जो कैलकुलस मेथड होता है कल आपको प्रायर उसकी वीडियो भेज दूंगा, वो देख लेना, तो आपके 4-7-8 नंबर यहाँ से फिक्स हो गए, ठीक है, डायमेंशन से तो आपका 7 सेट हो जाएगा, ठीक है, जाने के बाद उसका आंसर देखो भाई, आज जिनको पता है तो समझे, जिनको नहीं पता तो सुन नोट करें कि जब मैंने इसको यू लॉस से फेंका है ना, ये एंगल कितना है? थीटा। तो क्या हो रहा है? ये फुटबॉल आगे भी जा रहा है और फुटबॉल ऊपर भी जा रहा है, दोनों मोशन हो रही है, फॉरवर्ड एंड अपवर्ड, ठीक है, तो ये वेलोसिटी यू है ना, ये अगर एंगल थीटा होता है ना, तो इस कंपोनेंट को बोलते हैं यू कॉस थीटा, समझे, और इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्या? यू साइन, समझे, अब भी नोट कर लो यार, टोटल एक बड़ा चक्कर हो गया, सबकी क्लास आगे पीछे हो गई, कुछ बच्चों को भी वेक्टर्स का आइडिया नहीं है, कुछ को वेक्टर्स का आइडिया है, कुछ को डिफरेंशिएशन का आइडिया है, कुछ को नहीं है, ठीक है, बट आपको समझ में आ जाएगी बात, थोड़ा रट लेना, थोड़ा समझ लेना, ठीक है, थोड़ा रट लेना, थोड़ा समझ लेना, कितनी कितनी लॉस की हुई, यू पॉसिट एंड यू साइड, ठीक है। देखो आप किसी को सीधे किक मारो फुटबॉल तो कैसे जाएगा वो, तो आपने सारी वेलोसिटी कहां देती है उसको एक्स से, फुटबॉल को ऊपर किक मारो सारी वेलोसिटी आपने कहां देती है ऊपर से, ऊपर जाएगा नीचे आ जाएगा, सामने किक मारोगे तो आगे जाएगा, क्लियर। अभी आपने किक कहां मारी है, बीच में, मतलब आपने इसको दोनों इफेक्ट दिए, कौन से, आगे जाने का इफेक्ट भी दिया है और हवा में ऊपर उड़ने का इफेक्ट भी दिया है, ठीक है, आगे भी मूव कर रहा है साथ में हाइट भी गेन कर रहा है, दोनों का एक साथ चल रहा है, जो उसको आगे निकालने का काम है वो यू कॉस थीटा का है, और ये काम किसका है, हाइट थीटा का काम किसका है, यू साइन, जिसको लिखो पहले,
basket moves in the forward direction, the type moves in the forward direction because of u cos theta component. Because of u cos theta component. ठीक है, एंड इट गेन्स हाइट ये हाइट ऊपर गेन कर रहा है बिकॉज ऑफ क्या, बिकॉज ऑफ यू साइड का कंपोनेंट. ठीक है, तो हाइट गेन कर रहा है यू साइड का की वजह से और अभी इसके भाग रही है यू कॉस साइड की वजह से. ठीक है, अब देखिए भाई यहां पर पहुंच के टॉप मोस्ट पॉइंट पे ना ये बिल्कुल सीधा हो जाता है ऐसे. अब ये पॉइंट वाले बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या इसके पास कोई वर्टिकल वेलोसिटी है, अच्छा थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया छोड़ो सर ये बात तो इसको अलग अलग देखिए है ना. एक वाई एक्सिस को देखते हैं अलग एक्स को देखते हैं. देखो वो क्या रहता है, वो ये रहा है कि ये यू साइड का उसको क्या करता है, यू साइड का क्या करता है ऊपर ले जाएगा. तो सोचो कि किसी के पास सिर्फ यू साइड का है मेरे को क्या होगा, ये ऊपर जाने का फिर ये नीचे आने का. क्लियर, ये ऊपर जाएगा नीचे क्यों है, ग्रेविटी जाने देगी क्या ऊपर जाके नीचे आएगा. अब सोचो किसी के पास सिर्फ यू कॉस थीटा हो तो ऐसे चलेगा. अब तुम दोनों चीजें एक साथ चलाओ समझे, दोनों के फैक्टर देखो ये ऊपर गया नीचे आया बिकॉज ऑफ क्या, मैं किसी फुटबॉल को मार दो तो ऊपर जाके नीचे आ जाएगा और ऐसे भी मार दो तो आगे जाएगा. अब तुम ये इसका आगे चलना और इसका ऊपर जाके नीचे आना दोनों साथ चला दो क्या होगा, इस तरह बात बन जाए. इसको बड़े खींच लिया के समझे, इसको और इसको एक साथ कंबाइन कर दो, इसको होती है एक्स, ये वाई की मोशन और ये एक्स की मोशन दोनों को कंबाइन कर दो. मैंने दोनों क्या होगा, कोई ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है साथ में उसको कोई आगे खींच रहा है. क्लियर समझे, तो जो ऊपर की मोशन होती है ना ऊपर वाली ये कौन बनाता है, इसको कोई रोकने वाला नहीं, किसको भाई अर्थ किसको भी खींचती तो नीचे खींचती ना, सामने तो फोर्स होता नहीं है, थोड़ा बहुत हवा चलती रहती है एयर ट्रैक होता है, बट अगर उसको इग्नोर मार दू तो आगे कोई फोर्स नहीं होता. तो आपको तो नहीं हो सकता, मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ जो ये वर्टिकल वेलोसिटी है कौन सी, साइड थीटा ऊपर जाने वाले इसको ग्रेविटी क्या करता है कम कर देता है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किस पे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है इसमें. ठीक है, देखिए वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिक्रीजेस, डिक्रीज नहीं हो रहा है, इसकी अगर डिक्रीज हो रहा है ग्रेविटी से, डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. ऊपर की वेलोसिटी कम हो रही है, तब जाके मतलब क्या ऐसे हो जाता है ऊपर जाना बंद हो जाता है कि नीचे आने लगता है, डिक्रीज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी इट बिकम जीरो, इट बिकम जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट. ये मैंने क्या समझा, इट बिकम जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट क्यों, जब देखो लाइन का मतलब क्या हाईएस्ट पॉइंट पे क्या ऊपर जा रही है, अरे एक तरह से ऊपर जाना रुक गया ना उसका, वहां से इन्वर्सन लेगा वापस होगा इन्वर्ट हो जाएगा ना, वैसे एट द हाईएस्ट पॉइंट आप देखोगे तो सिर्फ सीधा जा रहा है. और ये सभी को पता होना चाहिए क्या, जब भी कोई किसी पाथ पर चल रहा होता है तो जो उसकी वेलोसिटी होती है वो टेंजेंट की तरफ आती है, जैसे वैसे जा रहा है ऐसे तो फिर इसकी वेलोसिटी कहां पे होगी, उस पॉइंट पे होगी टेंजेंट, तो यहां पे तो वेलोसिटी किधर है, किधर होती है अराउंड टेंजेंट है ना,
किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी जो कर्व पार्क होता है उसकी टेंजेंट भी लग होती है। क्लियर? तो अगर मैं ऐसा पूछूं कि भाई हाईएस्ट पॉइंट पे क्या सीन चल रहा है, क्या हो गया, ये चल रहा है इट्स मूविंग ओनली फॉरवर्ड, देयर इज नो वेलोसिटी प्रोटेक्शन। उसके बाद क्या होगा, जैसे यहां पे अगर क्या होगा, अब इसमें नीचे भी आने की टेंडेंसी हो रही है तो दो दो वेलोसिटी ऐसे गया फिर नीचे आ रहा है तो इट बिकम जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट, कौन वर्टिकल वेलोसिटी स्टेटमेंट ऊपर लिखा हुआ दोबारा से लिखो, एट द हाईएस्ट पॉइंट वर्टिकल वेलोसिटी बिकम जीरो एंड देन इट इंक्रीजेस इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो अगेन ग्रेविटी को फिर क्या करेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन है बढ़ा दिए। और जो दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, इसके आगे जाने की जो वेलोसिटी है ना, फुटबॉल आगे जा रहा है वो कभी चेंज नहीं होगी, वो हमेशा क्या रहती है कॉन्स्टेंट, जितनी फेक के टाइम की देखो सारे बच्चों को बताएं क्या यहां पर इसके पास वेलोसिटी डायरेक्शन ये है या नहीं है, है कैसे अलोंग द टेंजेंट, इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर होता है तो क्या कर रहा है आगे ले जा रहा है, ये वेक्टर सारे पास होने हैं उसे नोट कर लें, ठीक है वेलोसिटी से क्या है आगे और ये क्या है ना, जो ये वाली वेलोसिटी होती है ये आपकी पता क्या रहती है कॉन्स्टेंट है, कभी चेंज नहीं होती, और ऊपर वाली वेलोसिटी क्या होती है वो कम होती रहती है। अगर मैं इसको वेलोसिटी बना के दिखाऊं ना ऐसे बनेगा सर, पहले वेलोसिटी होती थी ये थी, फिर ये इतनी, फिर ये फिर ये कितनी, ये थी क्या और सुनना है क्यों, अरे ये वेलोसिटी कम होती जा रही, कौन सी ऊपर का एरो छोटा होता जा रहा है और आगे के आगे का एरो क्या है बराबर है, ठीक है क्या बोला मैं किसकी आगे जाने की वेलोसिटी क्या रहती है कॉन्स्टेंट, क्यों कॉन्स्टेंट रहती है उसको रोक ही नहीं रहा है, यू नीड सम फोर्स को चेंज करने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ती है फोर्स, एज देयर इज नो फोर्स अराउंड ऑलरेडी डैश, फोर्स कहां पे सिर्फ ग्रेविटी है नीचे की तरफ, वो चेंज करेगा ठीक है, ठीक है तो नोट करिए आप पॉजिटिव वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट, इतने पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है जो ट्राई को समझने के लिए, ठीक है मतलब जैसे फुटबॉल को कोई किक मारता है समझे, और सो जो सन बिल्कुल ऊपर है तो सर रेस कैसे पड़ेगी, दो बैग को 12 बजे सर बिल्कुल ऊपर है और आप इसकी शैडो देखो, किसकी शैडो प्रोजेक्टाइल की, फुटबॉल की जो यहाँ शैडो बनेगी उस शैडो को देखोगे ना वो कैसे जाती नजर आएगी यूनिफॉर्म लॉस्ट बिल्कुल बराबर से नजर आएगी, जिसके आगे जाने की लॉस्ट हो क्या हो कॉन्स्टेंट, देखने का तरीका समझे ना ऊपर से सन रेस पड़ रही है उसकी जो शैडो होगी वो बिल्कुल आपको दिखेगा कैसे मूव कर रही है यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, मतलब इक्वल डिस्टेंस है इक्वल टाइम, इस बात से आगे आपको ठीक है। अब देखते हैं लिखा पहले के रिवर्स है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एक बार मेन मेन पॉइंट्स मैं आपको बता दूंगा, सारे बातें सुनो मेन पॉइंट्स इसके अंदर पड़ने वाली है, टाइम में दो वेलोसिटी होती है कौन सी, यू कॉस थीटा इसका काम क्या है आगे, और एक वेलोसिटी इसका काम क्या है ऊपर ले जाना, ग्रेविटी कम होती नीचे वो किसको चेंज करती है यू साइन थीटा को चेंज करती है कम करती है और फिर ऊपर जाके जीरो कर देती है फिर नीचे बढ़ाती है, और यू कॉस थीटा का कोई फर्क वो हमेशा सेम रहता है, हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है एक्स में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है, एक्सेलरेशन कहां होता है
सिर्फ फाइव नंबर क्लियर। चलो क्या लिखा आपने? टाइम ऑफ फ्लाइट। देखिए एयरप्लेन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एयरप्लेन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स बिटवीन लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट फॉर वाई डायरेक्शन। अब क्या आपको रखना पड़ेगा? मैं बोल रहा हूँ ना, सेम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो मैंने क्या बोला कि लगाते हैं फर्स्ट इक्वेशन किसके लिए? अब वाइड एक्शन बोल देना, मैं बोला ना कि अलग अलग एक्शन नहीं होती है। अभी आपको समझाया है कि छोटे क्वेश्चन की शुरुआत की थी तो मैंने क्या बोला था कि इसमें हम एक्स कॉलम देखते हैं, वाई को अलग देखते हैं, बाद में दोनों को क्या करते हैं? कंबाइन कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये ऊपर गया और नीचे आया, ये कौन सी मोशन है? वाई सिर्फ आगे जा रहा है, कौन सी मोशन है? और दोनों को कंबाइन कर देते वो चला जाएगा। तो जब भी हम कोई डेरिवेशन करेंगे वाई करेंगे। अच्छा चलो मुझे बताओ, सी इज इक्वल टू यू माइनस वी टी लिखा है वाई एक्शन के लिए। अच्छा एक्सीलेंट मोशन क्या होगी? यू प्लस ए टी होता है और डायरेक्ट लगा होता है। अरे तुम्हारे से क्यों होता है? ये तो बता सकते हो, नहीं पता? अरे बेटा ये तो उसमें रन नाइन फाइव करना पड़ा हुआ है। अभी भी बताया था मैंने जब मोशन एक्सीलेट हो रही थी आगे भाग रहा होता तो क्या होता है? टू प्लस एटी और डार्क बढ़ा दो टू माइनस एटी माइनस टू लगा दी मैंने। ग्रेविटी नीचे लग रही ना, वो दूसरा थे आपको क्या कर रही बताओ? ऊपर जाने वाली वेलोसिटी तो वो रिड्यूस होती है, इससे मैंने क्या लगा दिया? चलो एक बात बताओ मुझे, अब किसकी बातें चल रही है? वाई डायरेक्शन की एक्स की। चलो बताओ मुझे हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? जीरो है ना। हाईएस्ट पॉइंट पहुंचे क्या होगा? किधर जा रहा है? पे सीधे जा रहा है, आगे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, बंद हो गया ना उसका। एट द हाईएस्ट पॉइंट क्योंकि मैं वाई डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ इसके दिस वैल्यू इज जीरो। क्या कैसे बोल रहा हूँ? क्या है इनिशियल वेलोसिटी? किधर की बात चल रही है? वाई की बात चल रही है। यू कैन नॉट टेक यू, यू कैन नॉट टेक यू कॉस थीटा, यू हैव टू टेक ओनली यू साइन थीटा। क्यों? सिर्फ वाई की बात है ना। ध्यान रखना यहां पे आपको इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, कौन सी? फोर वाई डैश हमारी वेलोसिटी टू थी, दिस यू कॉस थीटा एंड दिस यू साइन थीटा। हमें ये लेना है सर, लेकिन यू साइन कौन सा टाइम आया बताओ? नीचे से ऊपर जाने का टाइम और सिमेट्री होती है, जितना टाइम इसको नीचे से ऊपर जाने में लगता है एग्जैक्टली उतना ही टाइम इसको ऊपर से नीचे आने में लगता है। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा इसका ट्वाइस? अभी जाके पहले ना आपको उसको ऑफिस द्वारा है ना, तो आपका एक टॉपिक तैयार हो जाएगा, आएगा पक्का मंडे में बता रहा हूँ। 3-4 मार्क्स की डेरेशन बैठेगी, 4 डेरेशन आती है इसमें, पहली डेरेवेशन ठीक है, छोटी सी है देखो कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ लो आप ठीक है। रोटी कितना आ गया इन सेंटर में? जितना जाने का टाइम उतना ही आने का टाइम भी होता है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज टू टी, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज टू टी विच इज इक्वल टू टू यू साइन ठीक है, टोटल टाइम टू यू साइन का भाई गर्ल बने ना ठीक है। तो ये हमारी पहली डेरिवेशन टाइम ऑफ फ्लाइट।
समझ आ रही बात? वेक्टर्स क्या है समझ में? कॉम्पोनेंट समझ लो यार, उसी कॉम्पोनेंट होते हैं वेक्टर्स, मैं आपको बताऊंगा। इसी वीडियो में पढ़ी है आपको, एक वीडियो और भेजूंगा यूनिफॉर्मली एक्सेप्ट क्वेश्चन, जो थ्री क्वेश्चन होती है ना उनकी कैलकुलस मेथड से डेरिवेशन फोर्स वो आएंगी आ सकती है आएंगी, जितना नीट एंड क्लीन लिखोगे उसको प्रैक्टिस कर लेना, वीडियो भेजूंगा ठीक है। दिस इज यू साइड का बैंक टू आई सब्जेक्ट क्लियर ना, फिलिंग है मैक्सिमम साइड for the y direction, for y direction between lowest and highest point. The lowest and highest point. ठीक है बिल्कुल, सारे बच्चे मुझे बताएं थर्ड इक्वेशन क्या होती है, मैंने v square u स्क्वायर प्लस होती है ना, बट मोशन कैसे है एक्सेलरेटेड और रिटार्डेड, अरे यहां से रिटार्डेशन होता है, स्पीड कम हो रही ना, कौन सी ऊपर वाली स्पीड, क्या फॉर्म बनेगी बताओ, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस, देखिए v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as, देखिए आपने चलो मुझे इसमें सारी वैल्यूज बताओ, पहले तो बी कितना होगा बताओ, बी कितना जीरो होना है इसमें, मैंने लॉस्ट तो बी हो गया हमारा जीरो ठीक है क्लियर, क्यू कितना होगा टू साइन थीटा, क्योंकि हमारी बात वाइड एक्शन चल रही है, सभी वैल्यूज टू साइन का और बताओ, बी जीरो हो गया, यू हो गया, यू फाइन, और ए कितना होगा ग्राफ ले रही ना, तो एक डिस्क्रिप्ट किया जाए ठीक है, बोलो एस क्या होगा यहाँ पे,
उतना रट लो, क्यों सीओ जो कर लो क्यू साइन थीटा स्क्वायर एंड माइनस इसी बार एच की वैल्यू कितनी आ गई भैया, कितनी आ गई भैया एच की वैल्यू क्यू साइन थीटा स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई फॉर्मूला भी रटना है डेरिवेशन भी रटनी है साइन था भाई जी, क्लियर भाई? ये फॉर्मूला होता है तो जो मेडिकल वाले बच्चे हैं उस फॉर्मूले को देख लें कि जो ट्रू साइन थीटा कॉस थीटा होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है साइन थीटा, समझे? ट्रू साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा, फिर कम आता है इसके प्लेस पे साइन टू थीटा लिख दिया है, डॉट स्क्वायर बच्चे को स्क्वायर को लगता है साइन टू थीटा वही चाहिए, ठीक है भाई? ये आगे रेंज, ठीक है भाई, मेरी किसी चीज को खोगा नहीं, मेरी कैपेसिटी का कॉन्स्टेंट होगी,
और ये पेन है ना, मैं इसको पूरी ताकत लगाए फेंकू तो वो तो मेरी फिक्स हो गया क्या बस, लेकिन मैं इसको 20 मीटर पर सेकंड से फेंकता हूँ या 30 मीटर पर सेकंड से फेंकता हूँ, तो अगर मैं पूरी ताकत से इसको फेंकू, एक बार ज्यादा एंगल में फेंकू, एक बार कम एंगल में फेंकू, एक बार बीच के एंगल में फेंकू, हर बार ही अलग अलग डिस्टेंस पे गिरेगा। ये यार सबको बता रहे हैं क्रिकेट खेलते हो तुम, बॉल नीचे एंगल में फेंको जल्दी गिर जाती है, ऊपर फेंकते हो तो काफी ऊपर जाके ऐसे गिरती है, सबका एंगल और डिस्टेंस क्या होता है, मतलब अगर आप एंगल चेंज करोगे और अलग अलग डिस्टेंस पे गिरेगी और आपकी फेंकिंग कैपेसिटी क्या है सेम। अब आपसे पूछते हैं बताओ कितने एंगल पर फेंका जाए जिससे कि बॉल मैक्सिमम डिस्टेंस पे गिरे। अब मैं यू को तो चेंज कर नहीं पाऊंगा, इससे बताइए कैपेसिटी अपनी फुल कैपेसिटी में फेंका हूं, मैं क्या चेंज कर सकता हूँ, आई कैन चेंज दिस एंगल 30 पे फेंकता हूँ कि 40 पे कि 45 पे 60 पे ना, एंड बाय चेंजिंग दिस एंगल कैन चेंज रेंज कर सकते ना चेंज, अगर मैं एंगल को चेंज करूँ तो रेंज भी चेंज हो जाएगी ना।45 पे फेंका मैक्सिमम रेंज तो बताइए क्यों कितना होगा,
क्या करेंगे आप बताइए? आप लिखेंगे रेंज का फॉर्मूला। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? तो भाई यू स्क्वायर साइन थीटा बाय थ्री। रेंज कितनी है? 87.5 है। यू स्क्वायर कितना होता है? साइन 2 × 45 अपॉन थ्री कितना होता है? 10। 87.58 कितना? यू स्क्वायर साइन 90/10 साइन 91 होता ना। 87.58 यू स्क्वायर कितना हो गया? मल्टीप्लाई कर देता है 875.8। समझे? और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये नियर अबाउट 29.5 समथिंग आएगा। 30 का स्क्वायर 9 आपको ये बताया, सबको बताया कि जो स्ट्रेट लाइन होती है ना उसकी इक्वेशन होती है। अरे टेंथ में पढ़ा आप लोगों ने? नहीं पढ़ा। लीनियर इक्वेशन नहीं पढ़ा मैथ्स में? मैथ्स में लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा ना, वो वाई ऐसे कोई इक्वेशन लिखी होती थी, वाई (3x + 4) समथिंग। इसका ग्राफ आप बनाते थे, स्ट्रेट लाइन बनता था। ये भी पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी इस तरह की, इनके रूट्स जीरोस निकालना पढ़ा है ना। इसका ग्राफ किसको याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? अगर जाके एनसीईआरटी पढ़ना, तो आप पढ़ाने वाला हूँ, यू ऑलरेडी नो, वो कर देना था, स्किप हो गया। कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इसका पैराबोला टाइप का बनता है, एनसीईआरटी पर मेरा मैथ्स 40 का चैप्टर हो गया। तो पहले डिसीज करिए, यही देखिए यहाँ पे वाई एक्सिस होगी, यहाँ पे एक्स एक्सिस होगी, और आप एक्स के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करते चले जाओ तो आपको वाई के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगे। उन पॉइंट्स को ऐसे सब बनाते थे, उनको ऐसे ज्वाइन करते थे, यू विल गेट क्या? पैराबोला। क्लियर? और अगर कोई लाइन ऐसे लिखी है, कोई इक्वेशन ऐसे 3x + 2, तो उसमें एक्स की आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाइए, वाई की आपको क्या मिलेगी? डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, एंड यू विल गेट स्ट्रेट लाइन लाइक दिस और दिस। ठीक है, अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। लास्ट पॉइंट समझ लेना है, फिर इसकी चार डायरेक्शन ओवर हुई है जिनके आप स्कूल में एग्जाम्स आ रहे हैं, है ना। समझ लें कि आज का लेक्चर उनका 4 मार्क्स का था पूरा, अगर आपने किस तरह समझ लिया। देखो पहले मैं पूरा ड्राइव करूंगा, फिर आपको बाद में समझ आएगा। ये कौन सी एक्स है? एक्स ये कौन सी है? वाई।
और पार्टिकल यहां पहुंच रहा है दिस एक्स कॉमा वाई। एक्स क्या होता है? अरे भाई एक्स क्या होगा? ये होगा ना एक्स। क्या एक्स? क्या कितना आगे चलोगे है ना। और वाई क्या है? अरे भाई वाई क्या बताएगा मुझे? क्या आपने कितनी हाइट में होंगे? ठीक है, समझते हो वाई की वेलोसिटी कितनी है? एंगल थीटा की वेलोसिटी कितनी आएगी? क्यू कॉस थीटा ये कितनी आएगी? कॉस थीटा है दोबारा से मैंने लिखे फिर तो लिख लिया आपने ये अकेला क्वेश्चन थ्री मार्क्स का आ सकता है। देखो आप ये अकेला इतना इंपॉर्टेंट है ये आपसे थ्री मार्क्स का पूछ सकता है आपका सब्जेक्ट पेपर है तो तीन डायरेक्शन से अलग हुई ये अकेले है नहीं होगी। क्यों नहीं खत्म होगी? बिकॉज़ दिस ग्रेविटी। अब वो क्या कर रहा है उसको?
इसकी वजह से काट रहे हैं, क्या और आएगा? माइनस आगे डिस्कवर, दिस इज सेकंड क्वेश्चन इन दिया। आगे क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस क्या थी? इंपॉर्टेंस पता क्या है? देखो यहां पर एक्स पावर कितनी है, टू। यहां पे वाई पावर कितनी, यहां पे एक्स पावर वन भी है, यहां पे टू भी है, हाईएस्ट पावर कौन सी? और यहां पे वाई पावर कितनी है? पता है जब भी कभी ऐसा होता है कि एक्स की पावर टू हो और वाई पावर वन हो, पैराबोला बन जाता है। समझे? ये पैराबोला नहीं होता, इसको पैराबोला शेप बोलते हैं, फुटबॉल का शेप होता है, स्पॉट क्या प्रूफ हुआ यहां से बताइए? यहां से प्रूफ हुआ जो प्रोजेक्टाइल का पाथ होता है वो क्या होता है? पैराबोलिक फॉर्म होता है। कहां से पता चला क्या एक्स पावर कितनी? लेकिन पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, ठीक है, इज पैराबोलिक एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज फॉर्म इन एक्स। समझे? मैंने आपको बोला था ना, आप क्या बोला था? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है क्या होती है? पैराबोलिक होती है। तो जरा टेंथ क्लास वाले पढ़ा हुआ है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका पैराबोलिक होती है। चलो ठीक है, आज की क्लास ओवर, खुदा के बाद रिवाइज कर लेना, कल से कर लेना, ठीक है।
जिन्होंने वेक्टर्स नहीं पढ़े उनका मैं देखता हूँ क्या करना है।